नीचे आ मेरे को सब अभी गए कॉप कहां है और पानी कर रहा है कि पानी नहीं कर टाइम लग गया तो अच्छी अभी तो ये एक से निकल के साथ करें कि नहीं होता कट होने के साथ और अभी एक और हमारे मारुति से जो ये पंगा बढ़ छोटी वेव देखो ये हेलो फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल दिस युवा वॉशर क्लब ब्लॉग्स। तो आज मुझे घर जाना था पर मैं घर जा नहीं पाया और घर ना जाने की वजह कुछ इस तरह की है कि लुधियाना में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, रात से बारिश चालू है जिसकी वजह से घुटनों तक पानी भर चुका है और इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रेन जो होता है पानी वो हो क्यों नहीं रहा, ऐसे क्या इशूज़ हैं यहाँ पर, आप खुद देख लो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रेंज में ये इशू आ जाता है, अभी ये इसको धक्का लगा के स्टार्ट कर रहे हैं पर ये स्टार्ट नहीं हो रहा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता बंद हम इसलिए करें क्योंकि जो भी बड़ी गाड़ियाँ जब वो प्रेशर से जाएंगी तो घरों में पानी जाएगा। जैसे उस घर में आप देख सकते हो दरवाज़ा खुला है पर अंदर तक पानी जा चुका है, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि बलेरो आप देख सकते हो आधी आधी डूब चुकी है, अल्टो भी एक साइड से पूरी डूब चुकी है, अंदर पानी पानी हो गया है, इन भैया के घुटनों घुटनों तक पानी है। तो ये इश्यूज आते हैं और ये ज़्यादा देर की बारिश नहीं है, 4-5 घंटे में इतना बुरा हाल हो चुका है। सो वेलकम टू सिटी लाइफ बिकॉज ऑफ ड्रेनेज बिकॉज़ ड्रेनेज। और अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ छत से थोड़ा व्यू दिखाने की कि रेंज में कितने ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं शहरों में, गलियों में, जो भी आप समझ देख सकते हो आप पानी ही पानी भरा है, पानी ही पानी भरा है। अच्छा तो मैं भीग रहा हूँ बट कोई बात नहीं। और इस जिप्सी वाले ने सुबह से 4th-5th चक्कर लगा दिया है, खुद तो गेड़ी मार रहा है पर लोगों को परेशानियां अलग हो रही हैं। ये देख सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि सामान लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है। चलो नंबर को तो मारो गोली, नंबर से हमने क्या लेना, वो देख सकते हो लोगों ने वहाँ वो लगा के रखे हैं पर जैसे गाड़ियों का प्रेशर जा रहा था उनके घरों में पानी जा रहा है, बहुत गलत बात है। आवाज आने वाली है और अभी गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा तेज है। ये हमारी गली है रवि, आप देख सकते हो, देख सकते हो। वेलकम टू नो 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 ओ हो मजा आ गया आज तो, और हम भी एंजॉय कर रहे हैं बारिश का क्योंकि बारिश तब से हो रही है तो सारा पॉल्यूशन बैठ चुका है, ऐसा करते अब सिर्फ बारिश ही बारिश है। कपड़े खोलो, कच्चे में नहाते हैं। हाँ कच्चे में नहाते हैं, बीमार नहीं होना कच्चे में नहा के। मैं रोज बारिश में नहाता हूं तो नहा ले फिर, तेरे लिए सही है। इसमें ये देखो एक और छोटा हाथी आ रहा है, आज आपके लिए फुल ऑन मनोरंजन करेंगे। अब ये देखो साइकिल वाले जा रहे हैं बेचारे, तो तरपाल बच किसी का तरपाल जा रहा है, ये लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं। मैं कहता जो लोग अभी भी अपनी ड्यूटीज के लिए डेडिकेटेड हैं उनको तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए यार। ये भैया का लैब का उड़ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हैं जो देखना चाहिए लुधियाना गवर्नमेंट को सीरियसली। एक जगह गलती से हो सकता है, दो जगह हो सकता है, अगर आपके पूरा ही शहर यूँ डूब जाए, इनकेस किसी को घर जाना हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो कोई कैसे जाएगा, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती यहाँ पे। छोटी एम्बुलेंस तो भूल ही जाओ, उसके अगर पानी घुस गया तो वो वैसे बंद, ओमनी जैसी गाड़ियों को तो मैं कहता चलने वाला काम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। पर लोगों को जाना देखो, लोगों की स्कूटीज बंद हो चुकी है, मेरे कैमरे में भी पानी आ गया लेंस पे, अब सही है। ये स्कूटी बेचारी बांध दी गई है कहीं ना जाए ताकि, और वो स्कूल बस है अगर आपको दिख रही होगी सामने, और इसको अलग ही एक्सरसाइज करनी है इस बारिश में। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इतनी बारिश में बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, अभी मैं ही गिरने से बच गया छत पे। फंस गई कार, एक कार फंस चुकी है भैया, रस्सी से। हाँ आप देख सकते हो जेन चल रही है पर बहुत मेहनत करके चल रही है जेन स्टीलो, अब देखो झटके खा रही है। अगर ये बंद होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंदर भी अंकल वीडियो बना रहा है, हर कोई अपनी गाड़ी का शानदार, पर मारुति की गाड़ियाँ अच्छी हैं, स्ट्रांग है। ये झटका, ये देखो अब बुलबुले उठ रहे हैं पीछे, बस चल रही है बस, कैसे वो बाइक वाला पूरा डूब गया। तो बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या आंसर पहाड़ है, पेपर है तो पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहे, ये तो करने चाहिए रद्द।
यानी बोल ये आप सामने देख सकते हो बच्चे जा रहे हैं। ये बच्चे भी कहानियां सुनाएंगे कि हम भी पानी में घुटनों तक भीग के जाया करते थे एग्जाम देने। तो ठीक है, सुनाते हैं हाँ, जैसे हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल की कहानियां सुनाते हैं, मैं कहता सिटीज के बच्चे भी जरूर सुनाए आने वाले टाइम में, जब भी उनका टाइम होगा, जब उनके बच्चे बहाना लगाया करेंगे पापा हम बहुत स्ट्रेस में, तो तुम भी बोलना हम भी बहुत स्ट्रेस में होते थे, इतनी बारिश करती थी हम जाते थे, तो यही है। और अभी हम दोनों पूरे भीग चुके हैं और अभी देखते हैं मासी जी हमारे लिए क्या बना रहे हैं, क्योंकि और तो क्या कवर करें। और यहाँ पे हमारे लिए परांठे बन रहे हैं, धुआं धुआं हो गया एकदम माहौल। गुड मॉर्निंग, और अभी हम निकले हैं बारिश के भाव से और वे हम इंजॉय कर रहे हैं इन महाशय की बचपन की तस्वीरें। मना कर दिया और ये मुंह बना के पीछे था, फिर मैं इसको लेके गई। मैं तो हर फंक्शन का देखो, ये बचपन से चिड़चिड़ा था, पर बचपन में क्यूट तो ज्यादा ही था ये। ओवर मम्मी ने बोला ना अपनी आप गांव पानी को रूठा हुआ नीचे आ रहा, फिर उधर मुंह देखूंगा। बारिश हल्की तो हुई है पर मौसम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, और हमने कोशिश तो करी मासी जी को छुट्टी मिल जाए पर मिली नहीं, क्योंकि कोई मिला नहीं जो इनके बिहाफ पे ड्यूटी कर सके। तो ऐसे पी लोगे पानी? चलो, तो अभी कार लेके जानी थी पर मासी जी ने बोला कि पता नहीं कितना रोड खराब होगा तो रिस्क नहीं ले सकते, तो अभी बाइक लेके जाएंगे, तो जाते जाते की वीडियो बनाऊंगा मासी जी की कैसे भीगते हुए जाएंगे, आप लोग भी देखना। बाकी तो ऐसा ही चलता है शहरों में, मेरे को अभी पता चला कि ये पुराना है, आज कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आज की ताजा खबर यह है कि लुधियाना में हो रही है जोरदार बारिश, रात से चली है, दोपहर के हो रहे हैं 1:15, पर अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। और सूत्रों से ये पता चला है कि ये धुआंधार जैसी भी वैसी भी कैसी भी जैसी भी बारिश है बहुत भयंकर चलेगी। और अभी मासी जी को हम करेंगे बाय बाय, क्योंकि मासी चल पड़े हैं ड्यूटी। क्या है ऐसे रिएक्शन दिया जा रहा, पानी बाय की तरह ना मेरी मौत आ जानी थी अभी। मौत तो तेरी वैसे भी आनी है, तो आई जो सबको ही आनी है। So, अभी मासी जी जाएंगे ड्यूटी, तो अब हम इन्हें देखेंगे भीगते भीगते। आप भी चलिए, आपको भी दिखाते हैं सीधा प्रसारण लुधियाना सुभाष नगर से। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ बोल। क्या हुआ कि बैटरी भी लो, इसको चार्ज कर लो। पावर बैंक के साथ लगाया था मैंने चार्जिंग पे। अरे वाह, रेडी शेडी हो गए। देख सलवटे कितनी बड़ी, देख लाइट आई नहीं? आई है, आयरन नहीं है, हो पाएगी क्योंकि लाइट नहीं है। और अभी मौसा जी जा रहे हैं गाड़ी लाने, हाँ सॉरी बाइक लाने। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा हॉल खराब हो रखा है। और अभी ब्लॉग में इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि हम भी जाने वाले हैं मासी जी का छोड़ने। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट है। तो वीडियो में इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट आने वाला है। खुश पहला, और मैंने अपने गुड्डे मैंने ढिल्ले करने के लिए तैयार, और ये बेचारा मर गया कॉकरोच। अरे ओ तो चल यार, मेरे को तो ये भी नहीं पता चला। अरे रुको, बूम 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 बूम, गाड़ी में आ गया, भर गया होगा पानी तो। ओ धीरे चल धीरे, पानी है ही नहीं है। और ये सारा और हमारी गाड़ी में पानी आ गया, चलो ये सूख जाएगा बाद में। और भयंकर सीन हो रखा है, हम बैठे यहाँ, एक तो इतनी हालत खराब है, कंपनी वालों को फोन की पड़ी है, और यहाँ गाड़ी निकलते हुए धीमे धीमे धीमे, भाई ठंड लग रही है। हेलो बच्चा पार्टी, ये देखिए पानी आ चुका है। ये हे। अच्छा मासी पीछे बैठेंगे, और रुको ओए, धीरे 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 बैठना, अंदर पानी आ जाएगा नहीं तो। और ये देखो
हरे करा लेंगे हम सूखा सूखा। और देख सकते हैं अब कितने लेवल पे पानी है, आज मजा आएगा। और मासी जी का स्ट्रगल, अरे बैठ गया अब। ओहो नहीं नहीं फिर से नहीं बैठना, एक बार ही बहुत है। एसी बंद, आज एसी बंद रखना है भाई, ठंड बहुत है। एक बार फिर से साफ करो, बैग जाने पड़ेगी। बैग क्यों, आगे पानी है इधर, ज्यादा पानी है। अच्छा बैग करेंगे। और ये देखो अपने यार दा स्प्लेंडर जा रहा खिंच खिंच के। बाय रोनित, आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम। इसने एक और शॉर्ट वीडियो बना दिया होगा। निकालो निकालो, हमारी गाड़ी ऐसे ना ऊंची काफी है। मैं बहुत बड़े पानी से निकल रहा हूं। हां अपनी साइड रखो, यहां पे थोड़ा काम चल रहा था ना रोड का, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम बैक जाते हुए सबको जाना। अरे अपने आप सूखेगा। और यहाँ पे हम हाथ चुके हैं हाईवे पे, यहाँ पे इतना पानी है नहीं। हम पहुंच चुके हैं श्री गुरु रविदास चौक, पहले इसको बोलते थे बस्ती चौक। और ये फ्लाईओवर भी अभी एक डेढ़ साल हुआ है बने हुए। वेलकम टू लुधियाना हाईवे दिल्ली अमृतसर रोड। हाईवे दिल्ली अमृतसर रोड। और अभी हम जा रहे हैं डीएमसी मासी जी को छोड़ने। ये रहे हमारे मासी जी, देख रहे हैं, ये रहे हमारे मासी जी। और ये रहा हमारा शरारती भाई। और ये रहे हमारे क्यूट से मौसा जी। कौन बोलेगा इनकी शादी हो रखी है। वाह 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 यार, तेरे दिमाग उत्ती चले 140 आ जा कड़िए शेयर करावा मिच्छ लुधियाना दे। वेलकम टू द खड, ये है लुधियाना की खड। अगर आपको दिख रहा होगा ये हमारी गाड़ी का बोनट है। इस वक्त हमारी गाड़ी एसयूवी लग रही है बोनट की वजह से। ओए होए 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 होए, यहाँ पे हल्का सा सूखा है। अब हाईवे पे चढ़ेंगे ना फिर ठीक रहेगा। और इसके इस ये तो हम थोड़ा हाईवे से अलग से चल रहे हैं, जैसे हम हाईवे पे पहुंचेंगे फिर रोड पूरा सही हो जाएगा। मेन हाईवे पे खाली आज रोड, इतना ट्रैफिक नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं क्लॉक टावर के नीचे से। और यहाँ पे अभी लड़ाई चल रही थी मासी और मौसा जी की कि नीचे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ पानी होगा या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस फ्लाईओवर का आनंद लें, यहाँ बड़ा अच्छा बना रखा है तो। सुपर, ओह माय गॉड, मैंने मेरे डाकी क्या अब यहाँ तो थोड़ा तो रह गया डूबने वाला तो है नहीं। देख कनम दिखा दे मम्मी को, पॉसिबल है वो होता है झट से एकदम बारिश पड़ जाए। बारिश सुबह 6 बजे की पड़ रही। ये मेडिकल कॉलेज है देना का, राइट साइड पे मेडिकल कॉलेज है डीएमसी का। ये डीएमसी का मेडिकल कॉलेज, वो हॉस्टल है।
और अभी हम पहुंच गए डीएमसी के रास्ते पे। यहाँ पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, अरे यार तो बारिश है। हमारे मोहल्ले में पानी यार, मेरे को लगा पूरा लुधियाना भीगा भीगा सा हो गया होगा। तेरी मासी है ना ऐसे डरा से बंदा दूसरा पागल हो जाए। जिस तरह से मासी जी ने फोन करा था ना, मुझे लगा पता नहीं उनको भी पता है ना कि तेरी मासी का। इधर लेफ्ट साइड पे मेरी फार्मेसी है, उसका पता है। अब बाहर की तरफ आ गई है ये, इस फार्मेसी में पहले अंदर थी ना। अच्छा यही आ गए हैं। अच्छा यहीं से हम मेरी फार्मेसी वो देख कोमल बैठी है साथ इसकी याद। और अब हम अपने समंदर में वापस आ गए, मासी जी को छोड़ गए। सफर तो आपने देख ही लिया। तो कूद जा, तेरे को किसने मना करा? लाइट ऑफ, लाइट करो ऑफ। मैं पता क्या सोच रहा, थोड़ा और ऊपर करके लगाते हैं ना। ले मैं जानूंगा, ये लोग बहुत तेज आते हैं, गाड़ी देख के आएंगे नहीं। अच्छा तो गली से निकलना शुरू कर। अच्छा तो अभी हम मासी जी को छोड़ के आ गए। अब हम इतने हालात में नहीं कि हम चल सकें, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बोट लाएंगे तो बोटिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्या कहीं नहीं है पानी? कहीं पानी नहीं है, सिर्फ यहीं पानी है। हमारे पानी अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं पतंगबाजी। ये है हमारे फ्लॉप पायलट, कोशिश जारी है पर इसको उड़ाने की। फ्लॉप पायलट, फ्लॉप पायलट, फ्लॉप पायलट, फ्लॉप पायलट, फ्लॉप पायलट, फ्लॉप पायलट। अरे तू उधर देख ऊपर। अब तो खुद ही उड़ेगी ना ये, ऊपर को जब ऊपर को होती है तब उड़ा। वाह यार क्या मस्त उड़ रही है। ऊपर ऊपर जाते जाते गायब होती जा रही है। वो देखो वो टॉप पे चली गई हमारी काइट। अब तू प्रो पायलट हो गया, वो दिख भी नहीं रही, एकदम पॉइंट पे है। और अचानक से यहाँ पे कोई कंपटीशन आता हुआ, वो देखो कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। वो है ग्रीन कलर का काइट, और हमारा मौसा जी अब हमारे एकदम मैदान में आ चुके हैं। नहीं नहीं काट दो, काट दो, काट दो, मैं तो कहता ओए मजा आएगा आज तो। अच्छा हटा ली उसने साइड को, कर ली उसने साइड को, जब पहुंच जाएंगे हम भी वहां। कोशिश कर रहा है, फंस गई उसकी, पता कैसे चलता है फंस रही है नहीं फंस रही। डोर में खसखस फिर होने लगी, भारी होती खसखस होती है, जैसे डोर हिलने अंदर वाइब्रेशन सी आती है। अच्छा
ये मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस है ये भाई, कितना एकदम मजा आता होगा ना, बहुत ज्यादा। और इसके बीच में हम आपको एक मनोरंजन का साधन दिखाते हुए, बंदा स्विमिंग कर रहा है, कहाँ कर रहा है, बोर्ड लेके स्विमिंग कर रहा है। अच्छा वो स्विमिंग कर रहा है, वहाँ पे पेचे लड़ रहे हैं। What a day, man! नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। कॉम्पिटिशन से हम जीत गए क्योंकि उन्होंने हार मान ली, अपनी पतंग को अलग कर गए। और अरे तुम ये पकड़ो ना, किश्ती को तो छोड़ो, तो ये रोनी तो संभाल इसको, गुड बॉय। अरे और ये देखो कितनी एक्साइटेड है लड़की मेरे को दिखाने के लिए किश्ती। अरे पता क्या, पहले ऐसे उसको ऐसे करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते होते हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ा वो है सब मुझे। हमने पतंग और एकदम बढ़िया पतंग काटी हमने, हमारी अभी भी पतंग आसमान में मूर्ति हुई, और वो देखो नीचे जाती हुई वो दिखेगी नहीं। हमारा मिशन फतेह हुआ, हमारा मिशन फतेह 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 बंदे की। ये हमारे छोटे पतंगबाज, अरे ये अलग ही फैशन कर रहा है। यू आर योर ओनली लिमिट। ये मौसी जी इकट्ठी कर रहे हैं, ये उतार रहा है, और हमारी पतंग आ रही है विनिंग करके, और अभी हमारी पतंग उतर रही है। क्या स्पीड में उतार रहे हो आप तो, फटर 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 आ गया। ये हैप्पी लैंडिंग हमारी विनिंग काइट, आज इसने जिताया है हमको। ये थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और जितना जो मर्जी करें, पर चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरी भी देखें, और कोशिश करें कि आगे बढ़ावा दें वीडियो को, हमारी वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होती है मेरी वजह से, इनकी वजह से। कमेंट करना कौन ज्यादा अच्छी कमेंट्री करता है, मैं या भैया, कमेंट करके बोलो। भैया बिल्कुल अच्छी कमेंट्री नहीं करते, कमेंट करना जो भी देखते हैं।